जेड फैब्रिक एक ब्रांड है कैपिटल हिल, ये रॉयल क्लास के अंदर है, वॉशिंग वेयर है और इसके अंदर क्योंकि हम बेसिकली रशियन डाइज यूज़ कर रहे हैं तो ये इसके कलर बोर्ड के फुल वेरी हमारी जो प्रोडक्शन की टीम है वो बड़ी कॉन्फिडेंस है इसके साथ, ये ब्लीड नहीं करेगा और आप आगे भी बिल्कुल सेटिस्फाई होकर कस्टमर को दें। तो आपके अगर कोई कस्टमर आपके पास आते तो उनको भी आप बिग कॉन्फिडेंस दें कि सर ये कलर ब्लीड इंशाल्लाह नहीं करेगा। अच्छा, इसमें लाइट शेड्स भी हैं, डार्क शेड्स भी हैं, क्योंकि अच्छा ये है डार्क शेड, ठीक है, और ये है इटालियन फिनिश के अंदर। बेसिकली हमारे पास चार किस्म की हर ब्रांड के अंदर फिनिश होती है। एक होती है फुल सॉफ्ट कि 4 मीटर का सूट आप जेब में भी डाल सकते हैं, इतना होता है उसकी। हर चीज़ की एक बेनिफिट होती है और एक साइड इफ़ेक्ट होती है। अब उसके बेनिफिट क्या होते हैं कि वो बड़ा ही कम्फर्ट होता है, लेकिन साइड इफ़ेक्ट क्या है कि उस फैब्रिक की लाइफ ड्यूरेशन बहुत कम होती है, 2.5-3-4 साल मैक्सिमम, ठीक है। उसकी वजह क्या है क्योंकि आपने उसको रिडक्शन इतना नरम कर दिया होता है कि इतना कंफर्ट होता है जैसे आपने कुछ पहना ही नहीं है, जैसे आपने बादल पहने हुए हैं, मेरी बात सुने आपको तो। लेकिन अच्छा, ये होते हैं सबसे सॉफ्ट। एक होता है वेट एंड ग्लेस। वेट एंड ग्लेस होता क्या है, वो होता सॉफ्ट ही है, कंफर्ट ही होता है, लेकिन उसमें हम सिर्फ 35% वेट बढ़ा दिया होता है, जिसकी वजह से होता क्या है कि उसकी लाइफ भी ज़्यादा होती है और आप डेली यूज़ में भी उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर आपके पास आ जाता है इटालियन फिनिश। इटालियन फिनिश क्या होता है कि ये ना सॉफ्ट होता है ना हार्ड होता है, उसकी बीच वाली फिनिश, ठीक है, और उसके बाद नेशनल फिनिश वो बिल्कुल हार्ड होती है। तो बेसिकली ये इटालियन फिनिश है, ये सर्द इलाकों में, ठीक है, जो स्पेशली जहाँ पठान रहते हैं वहाँ पर ये बहुत सूटेबल है, आज़ाद कश्मीर वहाँ के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है, वहाँ पर लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। अच्छा, इसमें बेसिकली कैपिटल हिल डार्क शेड, इसके अंदर 8 कलर्स है, 24 मीटर की एक थान की कटिंग है, यानी एक थान के अंदर 6 सूट होते हैं, ठीक है, 4 मीटर का एक सूट बनता है। इसके अरस बहुत ज़्यादा, इवन इतना ज़्यादा कि हमारे उससे भी बाहर निकला हुआ है। अच्छा, मैं आपको इटालियन, अगर आप इसमें सॉफ्ट फिनिश मंगवाते हैं तो वो भी अवेलेबल है, और लेकिन ये मैं सिर्फ आपको इस वक्त इटालियन के बारे में बता रहा हूँ। कपड़े की क्लास चेक करें, ये एयरजेट पर बना हुआ है, ये वो मशीनरी है जो एक मशीन 90-95 लाख की होती है, ठीक, क्योंकि अब बाहर से इम्पोर्ट होती है तो जैसे जैसे डॉलर ऊपर जा रहा है इसकी वैल्यू और ऊपर जा रही है, ठीक है, अभी करोड़ से भी प्लस में होगी। वो पूरा दिन उसमें उसकी स्पीड इतनी तेज़ होती है कि उस पर अगर आप 2 नंबर कोई दूसरा धागा चलाओ तो टूटना शुरू हो जाता है, वो चलती ही नहीं है। इसमें आपको बड़ा एक्सपेंसिव धागा यूज़ करना पड़ता है, नंबर 1। नंबर 2, पूरा दिन वो मशीनरी एक दिन में 500 मीटर सिर्फ तैयार करती है। इमेजिन करें, एक 10,000 की लाट बनाने के लिए आपको 20 दिन एक मशीन को चलना पड़ता है, इतनी एक्सपेंसिव मशीन, ठीक है। ये वाला वो मशीनरी होती है जो आप एक्सपोर्ट लेवल के लिए यूज़ करते हो, जो एक्सपोर्ट जाता है, जिसमें आपको देखो एक्सपोर्ट को क्यों आपको क्वालिटी मेयार करनी पड़ती है। एक तो मुल्का होता है कि यार ये पाकिस्तानी कपड़ा है, इट शुड बी ऑलवेज गुड, और दूसरा हम कोशिश करते हैं इसके रेट जितने रिड्यूस हो सकते हैं। आई एम वेरी कॉन्फिडेंस इंशाल्लाह अगर चाइना, बांग्लादेश, इंडिया ये सारे मिल भी जाए तो भी इस रेट में इंट्रोड्यूस ये लोग मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, इस कपड़े की सबसे बड़ी खूबी क्या, ये है इटालियन फिनिश। देखा जाए अगर आप कैमरे में देखें तो आपको ऐसा लगे जैसे स्टिफ है, लेकिन जब हाथ लगाओ तो स्टिफ होता ही नहीं है, यानी ना स्टिफ है ना सॉफ्ट है, उसकी बीच वाली फिनिश, इसको ऐसे करके आपको आवाज़ निकलती है, ठीक है। इसमें 8 कलर्स है, ठीक है, इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि इसको हमने फुल वेट दे देते जब देखते हैं कि क्योंकि हम एप्रोटॉन, PVC ऐसे हमारे पास केमिकल के जो हम यूज़ करते हैं तो इसमें फुल वेट आ जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, थोड़ा सा सॉफ्टनेस इसको हम कन्वर्ट देते हैं, एक मशीन होती है उसके अंदर 2-3 दफ़ा गुजारते हैं, थोड़ा सा ही सॉफ्ट हो जाता है, तो ये इसको हम कहते हैं इटालियन फिनिश, ठीक है। बेसिकली इससे पहले हम इसको क्विटा फिनिश कहते थे, लेकिन जो बाहर से जो लोग आते थे वो कहते थे क्विटा क्या, तो फिर हमने इसको नया नाम दिया इटालियन फिनिश। ये है इस नाम के पीछे जो स्टोरी है। अच्छा, कैपिटल हिल ये वो रॉयल क्लास है कि हमारे पास, अगर आप 3 महीने पहले बोलते कि आपके पास सर सबसे एक्सपेंसिव और अच्छा कपड़ा ज़ेड एस फैब्रिक का कौन सा है, तो मैं आपको बोलता कैपिटल हिल, लेकिन उसके बाद हमने एक और नया लॉन्च किया डीसेंट, जो इससे भी बेहतर है। अच्छा देखो, आप पाकिस्तान के दूसरे कोने में बैठे होंगे, हम यहाँ पे बैठे हैं, आप बोलो यार मैं कपड़ा चेक करना चाहता हूँ, मैं कोई मुझे कोई स्मार्ट वे बताएं कि यानी सांप भी मर जाए बांस भी ना टूटे, तो स्मार्ट वे क्या होता है, हाँ आप क्या करें सूट सेट मंगवाएं। सूट सेट में होता क्या, देखिए हम आपको हर कलर का 4-4 मीटर का एक थान भेज देते हैं, एक एक सूट भेज देते हैं। अब होता क्या, आप इसको सेल आउट भी कर सकते हैं, आपके पास कलर्स भी आ जाते हैं, आप कस्टमर से फीडबैक भी ले सकते हो, कस्टमर को दे दो, बोले यार इसको पहन के थोड़ा यूज़ करके बताओ क्या फीडबैक हो चुका, सर बहुत अच्छा है, आई एम वेरी सेटिस्फाइड, तो उसके बाद आप पूरा सेट मंगवाना शुरू कर दें। तो फर्स्ट टाइम
अगर आप सूट सेट मंगवाते हैं, ठीक है, जैसे ये अभी जा रहा है, ठीक है, तो ये हम आपको फ्री डिलीवरी कराते हैं, लेकिन जो कपड़ा यूज़ होता है उसकी आपको पे करनी पड़ती है। अक्सर लोग कहते हैं सर सैंपल भेज दें, वी वुड लव टू सेंड द सैंपल, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखो ये ZS फैब्रिक जो है ना, देखो ये जब एक बंदे का अपना बिजनेस होता है ना तो आप कहते हैं यार ये मेरा बिजनेस है, लेकिन जब एक कंपनी के अंदर 400 घरों का रिस्क लगा होता है तो वो आपका बिजनेस नहीं होता, इसको आप कहते हैं बेतुल माल, ये अल्लाह की कंपनी है। इमेजिन करें एक 4000 सैंपल्स बनाने के लिए आपको 10,000 मीटर यानी 16 से 17 लाख रुपए का कपड़ा सिर्फ जाया होता है उसके अंदर, वो हम आपको भेज देते हैं, आप लोग क्या करते हो, देख लिया बहुत अच्छा फैब्रिक है, ठीक है मंगवा लिया, अच्छा नहीं है तो फेंक दिया, उसके साइड इफेक्ट क्या है कि वेस्टेज होती है इकोनॉमी में। वही पैसे अगर आप गरीबों को दे दें, सूट वगैरह उनको, आप उनको कपड़ा दे दो या आप कुछ चीज़ें दे दो, तो आपको कितना सवाब मिलेगा, मेरी बात समझ रही आपको। तो ये वजह होती है हमने स्मार्ट वे क्या निकाला कि सर सूट सेट मंगवा रहे, समझ में नहीं आता रिटर्न कर दे आपके पैसे वापस कर देंगे, और अगर आप कहते हैं यार समझ में आता है तो आप दूसरा नेक्स्ट टाइम जब आप मंगवाओगे सेकंड टाइम जो सूट सेट नहीं भिजवाएंगे आपको कहेंगे सर आपने फैब्रिक चेक कर लिया, अब आपको पूरा सेट थान की शक्ल में लेना पड़ेगा। ये देखें ये इस तरह हमने इसका स्मार्ट वे निकाला है। तो प्लीज़ ZS फैब्रिक को उसके डिसेंट ब्रांड, अगर आपको इटालियन फिनिश चाहिए या सॉफ्ट चाहिए आप दोनों का एक सूट सेट मंगवा सकते हैं सर, ZS फैब्रिक को मौका दें, इंशाल्लाह आपके मेयर पर जरूर उतरेंगे, पूरा उतरेंगे। अस्सलाम वालेकुम।